वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। और अब बात अम्फान तूफान के बाद एक ऐसे चक्रवाती तूफान की करेंगे जो कि इस वक्त सुगाहट मचा रहा है। देश के तटीय इलाकों में निसर्ग नाम के तूफान का खतरा मंडराने लगा है। ज्यादा खतरा महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों को है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है और अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। इससे उठने वाला तूफान अब कुछ ही घंटों में रायगढ़ दमन पहुंच सकता है। आज और कल महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम समुद्री तटों से टकरा सकता है। गुजरात में इसका असर अब दिखने लगा है। कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ अलर्ट मोड में भी आ गए हैं। मछुआरों को चेतावनी जारी कर दी गई है। समुद्र तटों के पास जाने के लिए लोगों को रोका गया है। दोनों सूबों में 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरब सागर में कम दबाव की स्थिति बन रही है। कुछ ही घंटों में ये तूफान तटीय इलाकों से टकरा सकता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस तूफान की हो सकती है, जिसका नाम निसर्ग दिया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा। अरब सागर में कम दबाव की स्थिति और वहां पर इस तूफान का असर अब दिखने भी लगा है। भारी बारिश हो सकती है। तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। गोपी घांगर हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, किस तरीके से गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्ग तूफान का असर देखा जा रहा है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि जो निसर्ग तूफान का असर है, चक्रवात का असर है, ये फिलहाल देखने मिल रहा है। कई जगह पर गुजरात में बारिश हो रही है, साथ ही तेज हवाएं चल रही है। और खास करके अगर बात की जाए वलसाड की, नवसारी की और भावनगर की, जहाँ पे ये समुद्र किनारे वाले इलाके हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा इसका असर देखने मिलेगा, जिसके चलते वहाँ पे एनडीआरएफ की 10 से ज्यादा टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। हालांकि इसका जो असर है वो सूरत में भी देखने मिलेगा। सूरत में करीब 90 से लेके 110 की रफ्तार से हवाएं चलेगी। साथ ही अगर वलसाड की बात की जाए तो वलसाड का जो इलाका है, वलसाड दमन का इलाका है, वहाँ से साइक्लोन गुजरेगा, जिसके चलते जो समुद्र है वो पूरे इलाके के जो समुद्री तट है उन सबको बंद कर दिया गया है। वहाँ पे प्रशासन के जरिए करीब 50 से ज्यादा गांव को खाली करने के आदेश दिए हैं। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी है, वो भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।